चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एक नए टॉपिक भी है जिसको मैं करवाऊंगा, जैसे कि स्वाइन हस्बेंड्री, थोड़ा सा, क्योंकि स्वाइन हस्बेंड्री ज्यादा नहीं है, बट 30 मिनट्स का सेशन मैं स्वाइन हस्बेंड्री पे लूंगा। फिर सेरिकल्चर वाला सेशन जो होगा, सेरिकल्चर वाला भी लेंगे एक सेशन। करंट अफेयर्स के कुछ स्पेशल सेशन होंगे। जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट में 60 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो आपके हमेशा डाउट्स रहते हैं। आई नो दैट वेरी वेल, है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक आपके ये जो स्पेशल सेशन होंगे विच इज ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक क्यों? कि हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। मैं इसमें एक्चुअली करवाने वाला कुछ नहीं हूँ। क्यों नहीं करवाने वाला? क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा तो फिर टाइम बहुत ले जाएगा, एंड फैक्ट पे जाऊंगा तो आपको रिवाइज करना है। बट हाँ, ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया तो आपके लिए वो चीजें इजी हो जाएंगी नोट्स में से पढ़नी। टास्क आपको पता ही होगा, आपका जो टास्क था कल, जो आपका टेस्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री प्लस करंट अफेयर्स का है। तो आपको करना क्या है, आपका जो एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स हैं वो कंप्लीट पूरे करने हैं। आपके टेस्ट में थोड़े से नए क्वेश्चन भी डालूंगा, जैसे मैंने जिक्र किया स्वाइन हस्बेंड्री का, तो आप थोड़ा सा नया कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बाद में करवाऊंगा। मैंने कैमल की ब्रीड से भी क्वेश्चन डाला, बिकॉज हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। 4 से 5 ब्रीड है कैमल की, तो क्यों रिस्क लेना उसको छोड़ के। उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। अभी के लिए जितना हमने पढ़ा हुआ उसको कवर करते हैं, बट मेरे कवर करने के साथ साथ आप भी, कल टेस्ट को लाइव करूंगा 8 और 9 PM पे, तो आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन है एनिमल हस्बेंड्री। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, बुक का वो कंप्लीट करनी है। आपकी जो करंट की बुक है मैंने उसे और समराइज कर दिया है। पिछले साल वो 220 अराउंड पेजेस की थी, इस साल मैंने उसको 150 तक ही रखा है कि क्वेश्चन आए भी तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। उस 150 में से अराउंड 50 पेजेस मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, तो उन 50 पेजेस को पढ़ लो कल रात तक, ताकि 50 हमारे कवर हो जाए। पीछे रह गए 100 पेजेस, तो 33% कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा बाकी कवर करना। और इस बात को ध्यान रखिएगा, एक साथ कोई भी टास्क मत लीजिए कि मैं एक दिन में ये कर दूंगा। अभी जैसे 2 टारगेट आपके पास, एक एनिमल हस्बेंड्री और करंट अफेयर्स, तो आज 50% एनिमल हस्बेंड्री को ले लो, और करंट अफेयर्स तो मेरे हिसाब से 40 पेज आप एक दिन में कर सकते हो। रिमेनिंग 50% को कल कीजिए, बिकॉज एक बड़ा टारगेट लेने का मतलब ये होता है कि माइंड को सिग्नल देना, यार इतना सारा काम करना है, और उसे छोटा कर देना। मतलब हमारे लिए ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली वो, कि नहीं यार हो जाएगा। और खुद देखो ना, 50 पेज करंट अफेयर्स की बुक के पढ़ लिया आपने, लास्ट के 20 पेज में 2 प्रैक्टिस सेट है, वो तो आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। रह गए सिर्फ 70 से 80 पेज, बड़े ही आराम से आप कर लोगे उसे 2 से 3 दिन में। पता ही चला करंट अफेयर्स कैसे हमारा हो गया, बट वो कब नहीं पता चलेगा अगर आप ये 50 पेजेस कर लेंगे। समझ गए मेरी बातों को? और ध्यान रखिएगा एक चीज को, अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। 5000 लोग सेलेक्ट होंगे ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद आप 5000 के बाद कितने, ऑलमोस्ट मान के चलिए 1500 के आसपास फाइनल इंटरव्यू के अंदर जाएंगे। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से क्लियर रखना कि जो सबसे बड़ा फिल्टर होता है, फिल्टर कैसे लोग रह जाते हैं, वो प्री के अंदर नहीं रहते, वो मेंस के अंदर रहते हैं। रीजन इज क्योंकि हमारा माइंडसेट, जो समझदार लोग हैं वो लोग पेपर के लेवल को जानते हैं, बट एक जनरल माइंडसेट ये कहता है कि प्री का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंस तो आता है, बिकॉज एग्रीकल्चर तो 4 साल में पढ़ा हुआ है। मैंने तो 4 साल नहीं कितने साल पढ़ लिया। स्टिल मैंने आपकी कैमल ब्रीड्स को कल पढ़ा है, क्योंकि आपको पढ़ाना है, मुझे देखना पड़ेगा आज भी एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं हो रही है, कितने साल हो गए पढ़ते हुए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेटा हमें काफी कुछ लर्न करना है। टाइम हमारे पास 25 डेज ही बचे हुए हैं, कवर करने के लिए हमें डे बाय डे कवर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूंगा तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ एक टर्म्स को हमने पढ़ा था, फिर हमने कैटल ब्रीड्स को पढ़ा था, फिर बफेलो, गोट, शीप की ब्रीड्स थी। उसके बाद हमने कुछ डिजीज के बारे में जिक्र किया था, पोल्ट्री का पार्ट था, एंड उसके बाद लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो आपका डेयरी साइज का पार्ट था। मैं सारा का सारा 1 घंटे के अंदर समराइज कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक टर्म्स है व्हाट टू कवर, तो मैं यहाँ पे कवर क्या करूंगा, आपका लाइव स्टॉक और उसके बेसिक्स जो हो गए। स्वाइन हस्बेंड्री का अलग से लेक्चर, एक अलग लेक्चर दूंगा 30 मिनट्स का। फिशरीज आपका मैं कवर कर चुका, लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ नोट्स कुछ एक होंगे 15 से 20 पेज आपको कवर करने हैं। कैमल ब्रीड 5 ब्रीड है, इसे आप इजीली कवर कर लेंगे। एनिमल टर्मिनोलॉजी से कंटिन्यू करते हैं। एनिमल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले क्या है, कैटल। डू वी नो व्हाट इज कैटल? सारे लोग जानते हैं कैटल वर्ड क्या होता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि बफेलो को इंक्लूड नहीं करना। बाकी जो आपकी काओ की फैमिली है, वो काओ का मेल है, फीमेल है, उसका यंग है, कुछ भी है, वो सारा का सारा किसमें जाएगा, कैटल में जाएगा। जिसके लिए अलग अलग वर्ड्स आप यूज करते हैं। क्या वर्ड्स यूज करते हो कैटल्स के लिए? काओ बोलते हो, बुल बोलते हो, बुलक बोलते हो, हीफर बोलते हो, काफ बोलते हो, हीफरेट भी हो सकता है, कुछ भी। काउ की फैमिली जितने भी है वो सारे के सारे किसका पार्ट है? कैटल का। बट बफेलो, शीप और गोट इसमें इंक्लूड नहीं होते। मेटिंग की बात करते हैं। आज ही ग्रुप में कुछ डिस्कशन चल रहा था बच्चों का, सर्विस की बात हो रही थी। डू वी नो व्हाट इज सर्विस? ऑफ कोर्स यस। सर्विस का मतलब जो हम क्या करते हैं, जो मेल एनिमल है वो फीमेल को प्रेग्नेंट करता है, फीमेल को फर्टाइल करता है। तो डिस्कशन ये चल रहा था कि जो दो सर्विस रिकमेंडेशन है वो वंस इन अ ट्वाइस इन अ डे है या ट्वाइस इन अ वीक है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि एक दिन में दो सर्विस लेने का मतलब साल में 700 से ऊपर सर्विस लेना, एनिमल मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हमें दिन में नहीं, हमें हफ्ते में 2 से 3, 2 से 3 ऐसा लिखा जाता है। TNA लिखता है, नाबार्ड कहता है कि हफ्ते में 2 सर्विसेज, मतलब वीक में हम 2 सर्विसेज एक बुल से जनरली ले सकते हैं। मेटिंग का मतलब भी कुछ वैसा ही है कि मेल और फीमेल जब क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, या फिर जब मेल फीमेल को कवर कर लेता है उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेटिंग बोल देते हैं। काफ और हीफर की बात करते हैं, आप लोग जानते हो काफ कौन है। काफ आपका वो है जो यंग है, अभी नया नया पैदा हुआ है। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसके अंदर, फीमेल है तो भी काफ है, मेल है तो भी काफ है। जब बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही सेक्सुअली मैच्योर होंगे, सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे। तो जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो गए, वो एनिमल क्या आपका हीफर है। हीफर के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगा और क्या करेगा, एक नए बेबी को बर्थ देगा, मतलब उसकी काविंग होगी। काविंग जानते हैं सारे लोग, है ना? काफ को जन्म देना था, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ काफ इज नोन एज काविंग। तो जब काविंग हो जाएगी, यही वाला हीफर, फिर हम उसे क्या बोलेंगे? उसे काउ बोला जाएगा, राइट। उसके बाद लगा जेस्टेशन। ये जेस्टेशन क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड आपने पढ़ा होगा, अलग अलग एनिमल का, है ना, कम से लेके ज्यादा दिन तक होता है। क्योंकि छोटा एनिमल है तो जेस्टेशन पीरियड कम दिन का होगा, बड़ा एनिमल है तो जेस्टेशन पीरियड ज्यादा दिनों का होता है। जेस्टेशन की जब बात करता हूं, ये क्या होता है? जेस्टेशन वर्ड हो गया, एक जेस्टेशन पीरियड होता है। अब ये क्या होता है? मैं ये बोलता हूं कि मैं इस टाइम पे टीचिंग कर रहा हूं एंड मेरा टीचिंग पीरियड इतना है, दैट मींस दोनों रिलेटेड है ना। तो ऐसे ही जेस्टेशन और जेस्टेशन पीरियड है। जेस्टेशन क्या होता है? जब आपका फीमेल जो है वो फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल का मतलब जब कंसेप्शन हुआ, मतलब जब मेल और फीमेल की मेटिंग हुई, उसके बाद वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गई। अब जिस दिन से वो प्रेग्नेंट हुई है, उस दिन से लेके और जब वो एक बेबी को बर्थ देगी, एक बच्चे को जन्म देगी, ये शुरू से लेके एंड तक की जो प्रोसेस उसके अंदर चल रही है न्यू बेबी के डेवलपमेंट के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज जेस्टेशन। और जितने दिन उसने ले लिए, 10 दिन, 20 दिन, 500 दिन, 308 दिन, कुछ भी ले लिए, जितने दिन उसने ले लिए, दैट इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। तो वर्ड आप समझ गए, डेज आपको याद करने हैं हर एनिमल के कि किसका जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। क्वेश्चन यहाँ से बड़ी जल्दी पूछ लिया जाता है। पाचुरेशन कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने काविंग बोला, काविंग एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे आप यूज करते हैं किसके लिए? आपकी काउ के लिए, राइट। काउ के लिए काविंग बोलते हैं। पाचुरेशन इज अ इंग्लिश वर्ड, ये हम यूज करते हैं हर एनिमल के लिए। काउ है, शीप, गोट, बफेलो, जब वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो वो क्या जाएगा? पाचुरेशन हो जाएगा। लेकिन पाचुरेशन को स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाएगा, वो काविंग हो सकता है या फिर आप अलग अलग एनिमल में जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया विनिंग। ये क्या होता है? होप सो हम लोगों ने जाना। वीन, काफ, वीनिंग की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जो छोटा बेबी है उसको अलग कर देते हैं। ऐसा आजकल बहुत किया जाता है, इंडिया में नहीं किया जाता लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत होता है। कि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है, हमारे यहाँ पे जो डेयरी है वो कैसा है, एक ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। तो अगर मैं दूसरी कंट्रीज में देखता हूं, वहां पे ऑर्गेनाइज डेयरी सेक्टर ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर दूसरी कंट्री में देखोगे ना, वहां पे एक छोटा फार्मर भी है ना, उसके पास अगर 4, 5, 6 भी एनिमल है ना तो भी मैनेज्ड एनिमल है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे फार्मर क्या करता है, यहाँ पे मिक्स फार्मिंग करता है। मिक्स फार्मिंग मतलब उसके पास एनिमल भी है, उसके पास एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स भी ग्रो करता है, और मैनेज सिस्टम नहीं है उसका। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जाता, वो किस में जाता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज का मतलब तो ये जो बड़े बड़े डेयरी फार्म है जिन्होंने मैनेज किया प्रॉपरली कि भाई माउथ टू माउथ सिस्टम है, टेल टू टेल सिस्टम है, कितने रहेंगे, ओपन एरिया कितना देना है, कवर्ड एरिया कितना देना है। बट हमारा फार्मर ये सब नहीं जानता। तो हमारे यहाँ पे क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विनिंग आपने जनरली नहीं देखा, नहीं पता फार्मर को इतना, है ना। हम लोग ये नहीं जानते कि मैं मिल्क को ऑर्गेनिकली सर्टिफाई करके, जहां पे गांवों से दूध 20 से 25 रुपए लीटर लेके जाते हैं, वही ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हो 30, 35, 40 रुपए। खुद सोचो 25 अगर 35 हो जाए, अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। बट हमारा फार्मर उतना अवेयर नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक वाला नाम क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया बिकॉज विनिंग का पर्पज क्या होता है? विनिंग का पर्पज होता है मिल की कह दो कि क्लीनिनेस को बढ़ा देना, मिल की सेफ्टी को बढ़ा देना, क्योंकि बछड़ा सीधा मुंह लगाएगा किसको, आपके जो थन है, जो फीमेल के टीट्स हैं उसको, तो उससे क्या होता है, कह सकता है कि मिल्क उतना क्लीन नहीं है। तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऐसा किया जाता है कि काफ को अलग कर दिया जाता है। और भी पर्पस होते हैं बट पॉसिबल है मेजर पर्पस यही है उसका। हमारे इंडिया में इतना कुछ नहीं होता बट वीनिंग किया जाता है काफ को, उसका मतलब यही होता है कि काफ को बिना मदर के रियर करना। और बहुत सारे तरीके हैं, आपने पढ़ा भी होगा पिग वाले केस में भी काफी ऐसा किया जाता है कि जब हमारे पास है ही नहीं उसकी मदर, हमारे पास क्या एक छोटा काफ है उसे रियर करना है, करना पड़ेगा। काऊ वाले केस में, पिग वाले केस में भी ऐसा होता है, दिखाऊंगा आपको आगे, वीनिंग आप समझ गए। नेक्स्ट बोला गया ईयर टैटूइंग एंड ईयर टैगिंग, टैटू लगा देना, उस पर टैग कर देना, या फिर ईयर नोचिंग की बात करते हैं तो कुछ यू शेप या वी शेप कुछ ऐसे कट लगा दिया जाता है उसके ऊपर। ये किस लिए लगाया जाता है, आपके एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी आजकल होता है ना। और इसके साथ साथ आपको पता होगा एनिमल्स के टीथ जो होते हैं उसको देख के हम उसकी एज भी चेक करते हैं। हाँ, हालांकि एनिमल्स के टीथ जो होते हैं उसको देख के उसकी एज आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, तो फिर क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि भाई ये जो एनिमल है कितने ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि 2 साल 3 महीने का है, बट वी कैन से कि 2 साल का है या 3 साल का, तो एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। उसके बारे में आगे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली क्या है, जब एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हमारे लिए इकोनॉमिकली या फिर किसी और पर्पस से यूजफुल है। जैसे डॉग की बात करते हैं, डॉग भी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, बिकॉज आप लोग जानते हैं फर्स्ट जो हमने एनिमल को रियर किया था, डोमेस्टिकेट किया था, वो एनिमल था ही कौन, आपका डॉग था। अब डॉग को डोमेस्टिकेट क्यों करते हैं, वो इकोनॉमिकली यूजफुल तो नहीं है, मेरे घर में है तो मुझे तो कोई पैसा नहीं दे रहा वो, लेकिन किसी और पर्पस के लिए तो हो सकता है ना, पॉसिबल है वो सिक्योरिटी के लिए, पॉसिबल है एंटरटेनमेंट के लिए, और पॉसिबल है कुछ पशुओं को हम पालते हैं किसके लिए, हमारे एस्थेटिक पर्पस के लिए, हमारी आस्था है उनके अंदर, है ना, हम लोग जानते हैं। और उसके अलावा जो मेजर पर्पस है वो आपका इकोनॉमिकल पर्पस है, हमें उससे मीट मिल रहा है, हमें उनसे मिल्क मिल रहा है, हमें एग मिल रहा है, हमें मेन्योर मिल रहा है, और पॉसिबल है कुछ और मिल सकता है, हम उसके लिए रियर करते हैं। बिकॉज जब मैंने आपको स्वाइन हस्बेंड्री बोला, सूअरों को रियर करना, पंजाब में देखो तो यहाँ भी काफी सारे फार्मर्स हैं जो सूअर को रियर करते हैं, स्वाइन या फिर पिग को रियर करते हैं। क्यों किया जाता है, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, है ना, उसका मीट अच्छा खासा। और उसकी बात करें तो उसका तो जो ड्रेसिंग परसेंटेज है, ड्रेसिंग परसेंटेज मतलब आपको एनिमल के टोटल वेट में से कितना मीट मिल जाएगा, सबसे ज्यादा आपको ड्रेसिंग परसेंटेज देते हैं। इवन ड्रेसिंग परसेंटेज के साथ साथ कैलोरिफिक वैल्यू की बात करूं, डू यू नो व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू, आपने इंजीनियरिंग के अंदर तो पढ़ा होगा इसे, क्योंकि जो भी फ्यूल आप पढ़ेंगे, जो भी ऑयल आप पढ़ेंगे, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है। बट साथ साथ हमारे जो क्या है एनिमल्स हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक कैलोरिफिक वैल्यू होती है। तो पिग की बात करूंगा तो वो कैलोरिफिक वैल्यू में भी काफी आगे जाता है। अब आप सोच रहे कि सर एनिमल के मीट की कैलोरिफिक वैल्यू कैसे होगी, यार उससे प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता है, एनर्जी मिलती है प्रोटीन से, तो बस एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो कैलोरिफिक वैल्यू आएगी आएगी, जैसे डीजल और पेट्रोल की होती है ऐसे ही अलग अलग मीट की होती है। तो ड्रेसिंग परसेंटेज में और कैलोरिफिक वैल्यू के परसेंटेज में बाकी सारे मीट से जो आपका पोर्क है, मतलब जो आपका पिग का मीट है, वो काफी आगे जाता है। अब एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये है कि एनिमल्स को हमने रियर किया है किसके लिए, अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। मेरे लिए बस यूजफुल होना चाहिए, बाहर ये डॉग खड़ा हुआ है, मेरी सिक्योरिटी है मेरे लिए, है ना, तो इट्स ओके, कुछ ना कुछ यूजफुल पर्पस है ना। तो अपने किसी यूजफुल पर्पस के लिए हमने जब एनिमल्स को रियर कर लिया, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। बट हाँ, यहाँ पे वर्ड आप अलग अलग यूज करते हो, आप एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हो, आप इसे स्वाइन हस्बेंड्री बोलते हो, आप इसे पोल्ट्री वर्ड भी बोलते हो। पोल्ट्री की बात करें तो बर्ड्स को रियर करना पोल्ट्री होता है, ये बात कह देना गलत है, क्योंकि पोल्ट्री से हमें क्या मिलता है, पोल्ट्री मीट मिलता है, पोल्ट्री एग मिलता है, या फिर पोल्ट्री मेन्योर मिलता है। इस पर्पस के लिए बर्ड्स को रियर करना कैन बी पोल्ट्री। बट उसके अलावा अगर कोई बर्ड्स हैं जिनको आप रियर करते हो, दैट इज ऑरिंथोलॉजी, है ना, वो ऑरिंथोलॉजी के अंदर चला जाता है, बर्ड्स की स्टडी या बर्ड्स को रियर करना। और जबकि एग मीट के लिए रियर किया गया तो वो फिर पोल्ट्री के अंदर चला जाता है, बिकॉज आप जानते हैं पोल्ट्री भी अब छोटा सा सब्जेक्ट नहीं रहा, पोल्ट्री बहुत वास्ट हो गया। पहले पोल्ट्री के नाम पे चिकन, ब्रॉयलर, हैम, बस इतनी सी बातें होती थी, आजकल बहुत वास्ट हो गया। यहाँ पे डक आ जाता है, टर्की आता है, स्वाइन आता है, ऑस्ट्रिच आता है, एमो आता है, कितने सारे बर्ड्स हैं जो पोल्ट्री के अंदर इंक्लूड हो गया। बट हाँ, आउट ऑफ ऑल दीज बर्ड्स फेमस जो बर्ड है वो आपका हैम या फिर आपका ब्रॉयलर ही है, जिसे अक्सर आपने मीट पर्पज के लिए यूज होते हुए देखा हुआ है। चलिए, इसको आप समझिए, पढ़ने वाले काम तो आपको पता मैं करता नहीं हूँ, पढ़ने का काम आपका है, मैं जब समझाता जाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोला गया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, बोला गया कि एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। तो ये मैंने थोड़ा सा जिक्र अभी कर दिया था कि एनिमल हस्बेंड्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे मिक्स लाइवस्टॉक फार्मिंग है जिसको मैं अनऑर्गेनाइज भी कह सकता हूँ, उसके अपोजिट में यहाँ पे आ जाऊंगा, ये कैसा है अनऑर्गेनाइज सॉरी ऑर्गेनाइज्ड है, और ये वाला कौन सा हो गया हमारा माइग्रेटरी लाइवस्टॉक फार्मिंग। क्या डिफरेंस है, माइग्रेटरी तो नाम से ही समझ आ गया, माइग्रेशन कर लेते हैं, यहाँ वहां चले जाते हैं, झुंड हमने सड़कों पे देखे हुए हैं। ऑर्गेनाइज की बात करूं तो जहां पे क्या होता है, जहां पे आपकी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन हम फॉलो करते हैं, कौन सी रिकमेंडेशन कि उसे फीडिंग स्पेस कितना देना है, उसे फीड कितना देना है, किस टाइम पे उसे कौन सी वैक्सीन देनी है, कौन सा इंजेक्शन देना है, उसका जो स्पेस है कि प्रेग्नेंट एनिमल के लिए स्पेस कितना होगा, बुल के लिए कितना स्पेस होगा, हमारे हीफर के लिए, काऊ के लिए कितना स्पेस है, वो सारा साइंटिफिकली फॉलो करते हैं। दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइज लाइवस्टॉक, जबकि इंडिया में ये बहुत कम है, होता ही नहीं है, हमारे फार्मर नहीं करते हैं। हाँ, डेयरी फार्म बड़े बड़े तो फॉलो करते होंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया का वो कौन सा, इट इज मिक्स लाइवस्टॉक फार्मिंग। लाइवस्टॉक वर्ड को हटा देंगे, मिक्स फार्मिंग आप इसे बोल सकते हैं, बट मिक्स फार्मिंग का मतलब ये होता है कि मैं अगर क्रॉप के साथ साथ क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक फूड प्रोसेस है, अचार भी बनाता हूँ, इट कैन बी मिक्स फार्मिंग बिकॉज फसलें ग्रो भी कर रहा हूँ और एक और बिजनेस हाथ में कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मिक्स फार्मिंग में लाइवस्टॉक क्यों लगा दिया, बिकॉज जो सेकंड ऑक्यूपेशन है, जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, वो हमारा क्या है, लाइवस्टॉक रियरिंग ही है। तो 3 सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री या फिर हमारे लाइवस्टॉक सेक्टर को। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर एनिमल्स। अब ये टर्मिनोलॉजी तो आपको पता ही है, आपको याद करना है, ये आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है, बट पॉसिबल है अब यहाँ तक जाके यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, लेकिन पेपर की लिमिट नहीं है यार, पेपर ना जाने कब आपसे क्या पूछ लेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस टेबल को अच्छे से रट लेना, मैंने शुरू में बोला था ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है, आप चाहो तो मैं 2 घंटे तक एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज यही वो लेक्चर है जिनको मैंने 8-8 घंटे तक एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी इश्यू, बट मैं टाइम नहीं लेना चाहता। अब ये टाइम आपका है, इसको भी सीरियस लेना पड़ेगा आपको, ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दें और बाद में पेपर में आ जाए, इसलिए मैं मेरी साइड से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैंने तो आपको कैमल की ब्रीड्स, मैंने आपको पहले ही बोला, वो भी ऐड कर दूंगा, लेकिन ऐसा भी ध्यान रखना कि याद कीजिएगा। हाँ, ज्यादा कुछ ऐड भी नहीं करूंगा, आप ऑलरेडी सब कवर कर चुके हो, लेकिन कुछ कुछ जहां से क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं उसको तो फिर डेफिनेटली ऐड किया जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि करंट अफेयर्स पे फोकस तो करना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 60 में से वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ सकता, आएंगे क्वेश्चन तो यहीं से। और अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड की बात करूं पिछले 2 सालों की, तो एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट को सीरियस लेना, इसको आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया जी, नेक्स्ट आपके काऊ की बारी आ जाती है। काऊ की जब बात करते हैं तो काऊ के लिए आप जानते हैं कि 2 टाइप की काऊ होती है, एक कौन सी होती है काऊ, एक आपकी हम्ड काऊ है, हम मतलब जिसके ऊपर कूबड़ होता है, और एक क्या होती है हम्पलेस होती है। हम्ड और हम्पलेस काऊ की बात करेंगे तो जो हमारी इंडियन काऊ है, जो देसी गाय है, इसके ऊपर कुबड़ होता है, हम्प होता है, थोड़ा सा बॉडी ऐसे होती है ऊपर से, जबकि आपकी जो फॉरेन की एक्सोटिक काऊ है वो क्या होती है, फ्लैट होती है ना, वो फ्लैट है उसकी बॉडी ऊपर से, उसके ऊपर हम्प नहीं होता। तो हम जो काऊ है उसको क्या, वो इंडियन काऊ जो है वो क्या होती है, हम्प का होती है, और आपकी जो एक्सोटिक काऊ है वो कैसी है, हम्पलेस है। हम्प काऊ जो होती है वो बोस इंडिकस है, बिकॉज इंडिया से है तो बोस इंडिकस हो गई, और जो आपकी दूसरी गाय है कौन सी एक्सोटिक जो है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे आप बोस टोरस बोल देते हो। फिर बोला गया ग्रुप ऑफ एनिमल जो है उसे क्या बोला जाता है, हर्ड बोलते हैं। आपको पता है टर्मिनोलॉजी हर बार अलग अलग है, कहीं पे फ्लोक बोलेगा, कहीं पे हर्ड बोलेगा, तो कहीं पे कुछ और बोलेगा, याद आपने किया हुआ है। अडल्ट मेल आपका बुल होता है, फीमेल जो अडल्ट है वो काऊ है जिसने बेबी को बर्थ दिया है, नहीं दिया तो हीफर है, दिया है तो वो क्या होगी, काऊ होगी। यंग मेल क्या है, बुल काफ है, यंग फीमेल क्या होगी, हीफर काफ। वैसे काफ वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन उसने यंग मेल और फीमेल लिख दिया तो इट्स ओके, वी कैन से बुल काफ और हीफर काफ। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। कास्ट्रेट अगर आपने मेल को कर दिया तो बुलोक या फिर स्टीर उसे बोलोगे, नहीं किया तो क्या बोलोगे, बुल बोलोगे, कर दिया तो बुलोक या फिर स्टीर बोलोगे। कास्ट्रेटेड फीमेल जो है उसे क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। फीमेल विद इट्स ऑफस्प्रिंग इज काफ एट फुट, इसका बहुत नॉर्मल सा मतलब है, आपको मैंने फोटो दिखाई थी ना, फीमेल विद इट्स ऑफस्प्रिंग, भाई फीमेल जो अपने बच्चे के साथ है उसे क्या बोल देते हैं कि जो काफ है वो कहां पे, उसके पैरों के पास काफ हेड फुट हो गया। एक्टोपाचुरेशन हम इसे कार्विंग बोल देते हैं, मेटिंग को सर्विंग बोला जाता है। इसीलिए तो बोलते हो कि हफ्ते में 2 से 3 सर्विस। साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उसे बेलो या फिर साउंड प्रोड्यूस को बेलोइंग कहा जाता है। प्रेगनेंसी तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, इसे जेस्टेशन वर्ड हम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट बोला गया इंडियन कैटल ब्रीड्स। इंडियन कैटल ब्रीड्स की बात करेंगे तो हमारे जो इंडियन कैटल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, मेजरली 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में क्लासिफाई करोगे भाई, आपकी जो ब्रीड्स है सबसे पहले तो इंडिया की ब्रीड्स आ जाएंगी। इंडियन ब्रीड्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या आ गई, आपकी मिल्च ब्रीड आ गई, ड्रोट ब्रीड आ गई और फिर क्या आ गई आपकी डुअल पर्पस। इसके बाद आगे और क्लासिफिकेशन हो जाएगा जो क्या बोल देगा आपकी क्रॉस ब्रीड आ जाएंगी और साथ साथ क्या आ जाएंगे एक्सोटिक। एक्सोटिक को ज्यादा नहीं पढ़ना होता बिकॉज एक्सोटिक तो आउटसाइड इंडिया, उसको क्यों पढ़ना आपने। लेकिन आप बोले क्वेश्चन तो आते हैं, फिर क्यों क्वेश्चन आते हैं, अरे भाई एक्सोटिक ब्रीड को अगर आपने इंडिया में यूज कर लिया किसी और ब्रीड की क्रॉस ब्रीडिंग के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, फिर तो इंडिया में काम आ रही है ना। तो आप इसीलिए जर्सी का नाम सुनते हो, HF का नाम सुनते हो, बिकॉज ये वो ब्रीड है, या फिर ब्राउन स्विस का नाम सुनते हो, ये वो ब्रीड्स हैं जिसको हमने इंडिया के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज किया है। तो जो यूज हो रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा। ये बात फिर से बता दूं आपको, आपको पढ़ना इसी अकॉर्डिंग है, ज्यादा वो पढ़ो जो ज्यादा है, कम वो पढ़ो जो कम है। रिसेंटली जो ब्रीड से क्वेश्चन दिखा होगा, एक क्वेश्चन जो पुराना क्वेश्चन है वो था कि यू शेप नहीं यार, इट्स हाफ मून अपीयरेंस, पढ़ा हुआ आपने। हाफ मून अपीयरेंस कौन सी ब्रीड के अंदर होती है, उसके हॉर्न्स की। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया दैट वाज अबाउट क्रॉस ब्रीड जो इंडिया ने डेवलप किया आपका करन स्विस और करन फ्राइज, कि किसी ने डेवलप किया है। तो अब देखो ना, अब रिसेंट ट्रेंड में क्रॉस ब्रीड क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज हमारा लाइव स्टॉक सेंसस कहता है कि इंडिया में जो कैटल्स हैं, कैटल्स के अंदर जो इंडिजिनस काउ है वो कम हो रही है, जो क्रॉस ब्रीड है वो बढ़ रही है। जबकि आपने मिल्क का भी पढ़ा हुआ है A1 A2 मिल्क, तो आपको पता है कि देसी गाय वाला दूध अच्छा होता है, विदेशी वाला है क्रॉस ब्रीड वाला अच्छा नहीं होता, फिर क्यों बढ़ रही है सर। अच्छा बुरा किसी ने देखा इंडिया में, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट अर्निंग। आप और मैं इस टाइम पे जो भी कर रहे हैं अर्निंग के लिए, फार्मर जो कर रहा है वो भी अर्निंग के लिए। तो अच्छा बुरा मिल्क नहीं, प्रोडक्शन देखा जा रहा है। तो क्रॉस ब्रीड जो है वो बढ़ती जा रही है और जो इंडिजिनस जो देसी गाय है वो घटती जा रही है। इसीलिए उनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल, अपार्ट मतलब के कंपैरेटिवली किसी आपकी जो देसी गाय है। तो पढ़ना आपको सभी को पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस देके चलिएगा। मिल्च ब्रीड जो दूध देने काम आती है, फिर जो दूध देती है। ड्रोट ब्रीड आपकी वो होगी जो क्या है ड्रोट पर्पस के लिए। व्हाट इज ड्रोट पर्पस, ड्रोट पर्पस का मतलब जिसे हम भारवाही नस्लें बोल देते हैं, बोझा ढोने काम आती है, टिलेज के काम आती है, सड़कों पे काम आती है, फार्म इंप्लीमेंट्स खींचने काम आती है, या फिर कुछ भी कह दीजिए, मतलब वो दूध देने के लिए नहीं है। दूध देने की बात करोगे तो फीमेल का जिक्र करोगे, बोझा ढोने की बात आएगी तो आपको पता ही है सोसाइटी में बोझा ढोने के लिए कौन बना है, ऑफ कोर्स मेल ही तो बना है ना। आई एम जस्ट किडिंग, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो जब टिलेज की बात आएगी मतलब ड्रोट ब्रीड की बात आएगी तो वहां पे मेल यूजफुल होगा, और जब दूध देने की बात आएगी तो फीमेल यूजफुल होगी, और जब डबल सिम वाली बात आएगी, डबल सिम मतलब आप समझते हैं ना, डुअल पर्पस की बात आएगी तो डुअल पर्पस वाले केस में कौन आ जाएगा आपका, डुअल पर्पस में तो भाई ये वाली मेल भी, फीमेल भी आएगा, ये वाला मेल भी आएगा। आई मीन टू से ब्रीड्स अलग होंगी, ये अलग ब्रीड है, ये अलग ब्रीड है, लेकिन यहाँ पे डुअल पर्पस के अंदर मेल भी यूजफुल है और फीमेल भी यूजफुल है, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे ये हैं। ऐसा क्यों, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया और मैंने सोयल भी पढ़ाया, मैंने दोनों पढ़ा दिए, लेकिन एक बंदा जो स्पेशलाइज्ड है सोयल के अंदर वो तो मेरे से अच्छा ही पढ़ाएगा ना आपको। तो सेम यहाँ पे ये मिल्च ब्रीड है, ये स्पेशलाइज्ड है दूध देने के लिए, इससे अच्छा दूध आपको इंडिजिनस में कोई नहीं दे पाएगा। ये स्पेशलाइज्ड है ड्राफ्ट पर्पस के लिए, इससे अच्छा ड्राफ्ट आपको कोई नहीं दे पाएगा। ये इंटरमीडिएट है, ये दोनों ही काम कर देती है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल। हम ब्रीड्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा ब्रीड्स का जो ब्रीड्स के जो नेम है वो हम देख लेते हैं। तो ब्रीड्स की जब बात करता हूं यहाँ पे देखिए जरा, ब्रीड्स में क्या लिखा गया, सबसे पहले आपकी मिल्च ब्रीड्स है। मिल्च ब्रीड में क्या नाम आया, सबसे पहले आपका साहिवाल, जानते हैं सबसे ज्यादा मीठा दूध ही आपको देती है। मीठा दूध क्यों बोल देते हैं, बिकॉज जब लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज परसेंटेज सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, इट्स इन साहिवाल। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रीड कौन सी लिखी गई, रेड स्किंधी या फिर रेड सिंधी भी इसे क्या दिया जाता है, किसकी कौन सी ब्रीड को, रेड सिंधी या रेड स्किंधी। क्यों? बिकॉज ऑफ कलर। गिर की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया ही था, हाफ मून अपीयरेंस की बात कर रहे थे, है ना, उसके साथ हैवी बॉडी इसकी होती है, बाकी ओरिजिन कहाँ से ये सब आपने पढ़ा ही हुआ है। फिर देवने की बात करते हैं, थोड़ा सा डाउट देती है ये कौन से में आएगी, तो ऑफकोर्स इसे हम मिल्च में क्लासीफाई करते हैं। तो चार आपकी ब्रीड जो मिल्च में आ गई, कौन सी? साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और आपकी देवनी। बात करते हैं डबल पर्पस ड्रोट, सॉरी नॉट डबल पर्पस यार, ड्रोट पर्पस। ड्रोट पर्पस मतलब जिसे हमने ड्राफ्ट के लिए, टिलेज के लिए, फार्म इंप्लीमेंट्स खींचने के लिए, बोझा ढोने के लिए, सड़कों पे काम करवाने के लिए या भार ढोने के लिए भारवाही नस्लों के रूप में यूज करते हैं। ये हमारी कौन सी है? यहाँ पे वी हैव अमृत महल, कंगनायम, सीरी, हालिकर, बचौर, बारगुर, गावलाव, केनकाथा, खेरीगढ़, खिलारी, मालवी, नागौरी एंड पवार। हालांकि सारी ब्रीड्स इंपोर्टेंट नहीं है और हमने ऐसा भी है सभी की डिटेल तो नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि इंपोर्टेंट की बात करूं तो अमृत महल का काफी नाम आता है, कंगनायम आपको पता ही है स्पेशल ब्रीड है, आप लोग याद होगा, है ना, उसका हालिकर भी ठीक ब्रीड मानी जाती है, एंड मालवी नागौरी भी ओके पढ़नी 4-5 ही है, बट नाम सभी का पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रीड किस कैटेगरी में क्लासीफाई की जाती है। ड्रोट के बाद चलते हैं हम दोनों पर्पस के लिए कौन से यूज कर लेते हैं। हम दोनों पर्पस मिल्क और आपके ड्राफ्ट पर्पस के लिए हरियाणा सबसे अच्छी, आपको पता ही है बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड का जो टैग है वो हरियाणा को मिला हुआ है, हरियाणा से ओरिजिनेट होती है। फिर अंगोल, थार पारकर, कांकरेज, दांगी, मेवाती और राठी, ये सारी की सारी क्या आपकी डुअल पर्पस ब्रीड है। इसको हम दूध के लिए और प्लस ड्राफ्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एक्सोटिक की बात करता हूं, एक्सोटिक में ज्यादा आपके पास नहीं है। एक्सोटिक के अंदर एचएफ आ गया, सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है, सबसे बड़ी ब्रीड है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन देने वाली ब्रीड है वर्ल्ड की है, होलिस्टिन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस आ गया, रेड डेन, आयरशायर, गर्नसी और जर्सी। ज्यादा जो जिक्र आता है वो किसका आता है? आपका होलिस्टिन फ्रीजियन का और जर्सी का, उसके बाद ब्राउन स्विस का जिक्र आ जाता है। बाकी इनका आपने अक्सर तो नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, गर्नसी को फॉरेन में काफी प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये जर्सी से ज्यादा आपको फैट प्रोडक्शन है वो देती है, लेकिन हम अभी के लिए ये वाली बात याद नहीं करेंगे, बिकॉज जो फॉरेन के रिसर्च है वो तो ये कहते हैं कि गर्नसी जो है ये ज्यादा फैट दे रही है, लेकिन इंडिया के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो तो ये कह रहे हैं कि जो जर्सी है वो सबसे ज्यादा फैट एज वेल एज प्रोटीन दोनों ही बातों में कौन आ गया है? जर्सी। तो हमें बस यही याद रखना है, सबसे ज्यादा दूध होलिस्टिन फ्रीजियन का है, सबसे हैवी बॉडी होलिस्टिन फ्रीजियन की है, सबसे बड़ी बॉडी एचएफ की है, जबकि सबसे ज्यादा फैट या सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो किसके अंदर है? जर्सी के अंदर। आगे चलते हैं, क्रॉस ब्रीड की बात कर लेते हैं। क्रॉस ब्रीड में क्या आ गया आपका? क्रॉस ब्रीड में करन फ्राइज और करन स्विस जो आपको पता है एनडीआरएन डेवलप करी है, फिर जर्सी आ गया, फ्रीजवाल आ गया, सुजाता आ गया, उसके बाद एक और आपकी ब्रीड है सुनंदनी आ गया, और एक और ब्रीड है जो महाराष्ट्र से डेवलप हुई, फुले त्रिवेणी उस ब्रीड का नाम है ना। वो सारी की सारी क्या है? आपकी क्रॉस ब्रीड है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग की। व्हाट इज सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग? भाई मेटिंग, सर्विस, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, जेस्टेशन, पाचुरेशन, काविंग, ये किसकी बात कर रहे हो? ब्रीडिंग से ही तो रिलेटेड टर्म है अल्टीमेटली ये। ब्रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, ब्रीड वर्ड आप लोग जानते हो, अब ब्रीड के साथ आपने क्या लगा दिया? आईएनजी, तो मतलब ये ब्रीड को कंटिन्यू कर रहा है। दैट्स इट, ब्रीड को कंटिन्यू कर रहा है ना। हम भी तो जनरेशन कंटिन्यू करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स, फिर हम आगे, फिर हमारी अगली जनरेशन आएगी। कुछ ऐसा ही एनिमल्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी ब्रीडिंग होती है। अब ब्रीडिंग कैसे होती है? हमारा और एनिमल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। एनिमल्स की जब बात करते हैं, यहाँ पे कैसे भी ब्रीडिंग हो सकती है, कैसे भी मेटिंग हो सकती है। मेजरली जब क्लासीफाई करता हूं तो मैं यहाँ पे ब्रीडिंग को 2 पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ, प्योर ब्रीडिंग हो सकती है या फिर क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है। प्योर और क्रॉस का मतलब क्या होता है? प्योर और क्रॉस का मतलब सिंपल सी बात बोलो, अगर मैंने पानी के अंदर पानी डाला तो प्योर है ना, पानी क्या दिक्कत है, बट पानी के अंदर कुछ और मैंने डाल दिया, नाउ दैट वाटर इज इम्प्योर, क्यों? क्योंकि पानी में कुछ और चला गया। तो प्योर ब्रीडिंग आप किसे बोलते हो? जब सेम ब्रीड के अंदर कुछ नहीं देखा जाता, क्लोज रिलेशन में है नहीं है, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड एनिमल है कि नहीं है, नहीं फर्क पड़ता। ब्रीड अगर सेम है, दैट्स इट, ब्रीड अगर सेम है तो वो क्या है? प्योर ब्रीडिंग है। और ब्रीड अलग अलग कर दिया आपने तो फिर वो क्या हो जाएगा? इट विल बी नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर होगी बात? प्योर और क्रॉस। अब कुछ और टाइप भी होते हैं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, अक्सर आपने सुना होगा। इनसे कोई बड़ी जल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन? बिकॉज यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो, एनिमल्स की बात करते हैं। मान लो अपने पास एक काऊ है, फाइन। अब क्या हुआ, इस काऊ का एक काफ आया जो फीमेल है, अगला काफ आया जो मेल है। क्या इन दोनों की मेटिंग हो सकती है? हो सकती है ना यार, क्या दिक्कत है, होती भी एनिमल्स के अंदर तो। लेकिन एक्चुअली रिलेशन में देखो तो ये कौन है? ये रियल ब्रदर सिस्टर है सर, रियल ब्रदर सिस्टर के अंदर क्रॉसिंग हो रही है बिकॉज इट इज पॉसिबल इन एनिमल। ये भी हो सकता है कि इस काऊ को जिस एनिमल ने क्या किया था, फर्टाइल किया था, प्रेग्नेंट किया था, उसी मेल ने किसी और ब्रीड को प्रेग्नेंट किया। अब उसका जो मेल है और इसका जो फीमेल है, इनकी भी आपस में हो सकती है। अब ये तो काइंड ऑफ कजन वाला सिस्टम आ गया ना, आपस में इनकी भी हो सकती है। पहला तो प्योर फुल ब्रदर सिस्टर थे, ये वाले हाफ या फिर इसे कजन आप कह दीजिए, समझने के लिए है। और ये भी हो सकता है कि आपने क्रॉस करवाया, जो इस हमारे पास जो काऊ है उसका फीमेल है और मेल है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है लेकिन ब्रीड सेम है। तो इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग बहुत सिंपल है। अगर आप इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग बोलोगे तो भाई 4 से 6 जनरेशन की बात करूंगा, 4 to 6 जनरेशन जो आपस में इंटर रिलेटेड है उनके अंदर क्रॉस करवाया गया है तो वो क्या है, आपका इनब्रीडिंग है। और जब इंटर रिलेटेड नहीं है, क्लोज वो नहीं आपस में, और तब भी क्रॉस करवाया गया तो वो क्या अपने आप में आउटब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग तो मैंने अभी आपको बताया, जब क्या हो जाती है, आपकी ब्रीड्स ही अलग अलग हो जाती है। Then what is grading up? Talking about grading up, इसका मतलब क्या है, जैसा कि नाम कह रहा है, ये तो आपके साथ भी हुआ है ना। आपने पूरा साल करा क्या है, अपना ग्रेड अप किया है। कैसे ग्रेड अप किया आपने? आपके नंबर 60 में से 10, 12, 15 आते थे, फिर 20, 25 आते थे, फिर 30 आने लगे, फिर 35, आज आप 35, 40 और 45 वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। आपने डे बाय डे खुद को सुधारा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे ही वहां से रिलेट कर लेते हैं। ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है, एक सड़क पे फिरता हुआ एनिमल है, ये इंफीरियर एनिमल है। लोग एनिमल्स को सड़कों पे निकाल देते हैं, उसकी मदर या उसकी जो उससे पहले वाली जनरेशन थी वो तो घर में रखी जा रही थी, बड़े प्यार से पाला जा रहा, दूध उससे लिया जा रहा था। लेकिन इससे ऐसी कौन सी गलती होगी कि इस ब्रीड को सड़क पे निकाल दी? इससे गलती नहीं हुई है, इससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो इकोनॉमिक थी फार्मर के लिए। लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता गया, इनकी जो बायोलॉजिकल फिटनेस है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती गई। आज ये 2 किलो भी दूध नहीं दे रही, मेरे काम की नहीं, मेरा डेली खर्चा 100 रुपये हो रहा है इसके ऊपर और मुझे प्रोडक्टिविटी 50 रुपए की दे रही है, तो मुझे सड़क पे निकालना पड़ेगा इसे। तो ये जो सड़क मैंने एनिमल निकाल दिया, क्या इसमें एनिमल की गलती है? नहीं सर, इसमें गलती हमारी है ना, हमने उसका एक अच्छी ब्रीड से क्रॉस ही नहीं करवाया। जब आप अच्छी ब्रीड से क्रॉस नहीं करवाओगे तो कैसे आउटपुट आएगा? तो ग्रेडिंग अप में क्या होता है, एक इन्फीरियर एनिमल का, या फिर अगर टेक्निकल वर्ड बोलो तो कह दीजिए एक नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल। नॉन डिस्क्रिप्ट याद होगा ना, जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसके अंदर कोई ट्रेट नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, सिम्टम या पहचान ही नहीं पा रही यार ये कौन सी ब्रीड है। क्या होलिस्टिन फ्रीजन लग रही है, क्या सड़कों पे घूम रही है इंडिया में? क्या नहीं, फिर तो गलत बता रहा हूँ। क्यों? रिसेंबल तो सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। 2 बार मेरे साथ हुआ। मैं एक बार यहाँ पे गिल्लिको वैली वहां से निकल रहा, एग्जैक्ट जैसा मैंने पढ़ाया है वैसी ही ब्रीड मुझे दिखी। अब एकदम से फिर मैंने उसके हाल देखे, बेचारे के बुरे हाल थे। देन आया नहीं, ये HF थोड़ी हो सकती है, HF होती तो भाई साहब प्यार से रखा जाता ना। पर प्रॉब्लम क्या हुई ना, उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया। अब मिल्क प्रोडक्शन कम होने का रीजन, अच्छी ब्रीड से उसका क्रॉस नहीं करवाया गया। तो मैंने एक उसी ब्रीड को ले लिया जो मैंने देखी है ना, जो HF जैसे रिसेंबल हो रही है बट बड़ी इन्फीरियर है, उसको मैं घर पे लेके आया, ठीक है। अब मैंने उसका क्रॉस करवाया, एक अच्छी ब्रीड से करवा दिया। इसकी जो अगली जनरेशन आएगी इस वाली ब्रीड से बेटर आएगी। मैंने इसका फिर से क्रॉस करवाया एक अच्छी ब्रीड से अगली जनरेशन का, है ना। ऐसे मैं करवाता गया, कहां पे, अप टू 7 जनरेशन तक। जब मैं 7 जनरेशन तक करवा दूंगा तो जिस अच्छी ब्रीड से मैं क्रॉस करवा रहा था, अब उसके 100% ट्रेट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो जिसको मैं सड़क से लेके आया था, आज उसी की जनरेशन जो अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन देगी, मैंने किया क्या, उनके अंदर उनका ग्रेड अप कर दिया। तो दिस सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इज नोन एज ग्रेडिंग अप। जनरली मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडिया में हमने क्रॉस ब्रीडिंग को काऊ वाले केस में यूज किया, ग्रेडिंग अप को यूज नहीं किया गया। हाँ, यूपी और आंध्र प्रदेश के अंदर बफेलो के इंप्रूवमेंट के लिए ग्रेडिंग अप भी यूज किया गया है। नेक्स्ट बोला गया बैक क्रॉसिंग, जैसा कि नाम ही कह रहा है, बैक क्रॉसिंग को ज्यादा नहीं करते हो, बैक क्रॉसिंग करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक काऊ है, उसका काफ आया, फिर एक और काफ आया, दोनों मेल फीमेल है, क्रॉस करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब अभी जो मेरे पास काऊ है, इसका जो फीमेल आया है, इस फीमेल का क्रॉस मैं उस मेल से करवाता हूं जिसने इसकी मदर को फर्टाइल किया था, मतलब जो इसका फादर था? क्या डॉटर और फादर में पॉसिबल है? एनिमल्स के अंदर पॉसिबल है। तो आपने एक्चुअली क्या किया, वापस चले गए ना, पिछली जनरेशन में गए ना, सो इट विल बी नोन एज बैक क्रॉस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। न्यूट्रिशन की बात करेंगे, सारे लोग जानते हैं न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और मेरी बात कर लें, हम भी तो ध्यान रखते हैं ना कि सुबह उठेंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उसमें बड़ा कुछ हम करते हैं ना कि जूस पी लो, ये कर लो। आजकल तो कोरोना टाइम में बहुत अवेयर हो गए हम लोग, क्यों हो गए, ये नहीं करना वो नहीं करना, पागल बड़े बने आए ना, ग्लूटिन फ्री खा लो, ये खा लो, वो खा लो, दे रहे हैं लोग 30 रुपए की चीज को 35 में लेके आ रहे हैं। ग्लूटिन वर्ड का पता नहीं है क्या होता है, पर चलो हमारे केस में हम ये सब बातों का ध्यान रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं इन सब बातों का ध्यान? क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो सेम सर एनिमल की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज अगर मुझे क्लास में अच्छे से पढ़ाना है तो मुझे अच्छे से रहना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से खाना पड़ेगा। एनिमल क्या करता है, एनिमल आपको दूध देता है, तो सर अगर एनिमल को अगर अच्छे से प्रोडक्टिविटी देनी है तो उससे भी हेल्दी रहना पड़ेगा, और हेल्दी रहने के लिए आपको क्या देना होगा, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो क्या देंगे, उसे एक अच्छी डाइट देंगे, उसे एक अच्छा रेशन देंगे। अब ये डाइट और रेशन आपको पता ही है कि सिंगल टाइम में जो फूड उसे दिया जाता है, जो सिंगल टाइम में फीडिंग उसकी होती है, फीड जो देते हैं वो क्या होता है, वो डाइट होता है, और जो ओवरऑल पूरे दिन में दिया जाता है वो क्या होता है, उसका रेशन होता है। तो रेशन हो या डाइट है ना, रेशन हो या डाइट हो, दोनों ही साउंड होनी चाहिए। साउंड का मतलब दोनों के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। रेशन एंड डाइट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेशन, फटाफट से बता देता हूँ। डिजायरेबल कैरेक्टर्स का मतलब कि मैं जब एक एनिमल को रेशन दे रहा हूं तो भाई उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले तो उतना दो जितना उसको रिक्वायर्ड है। ये कोई मतलब नहीं है कि भाई आप और मैं दोनों खाना खा रहे हैं और दोनों को क्या किया, जहां भी बैठे थे 2-2 चपाती दे दी। हो सकता है भाई आपको 3 चाहिए, मुझे 4 चाहिए, तो जिसको जितना रिक्वायर्ड है उतना दो, फिक्स नहीं करो सभी का। हो सकता है वेट दोनों का ही बराबर हो, ब्रीड दोनों ही सेम हो, लेकिन हर किसी की रिक्वायरमेंट कम ज्यादा होती है ना। अगर एक ब्रीड का एनिमल आपके पास है और मेरे पास है, क्या ये गारंटी है कि दोनों ही 3.5 लीटर और 3.5 लीटर दूध देंगे? नहीं सर, कम ज्यादा दे सकते हैं ना, तो उसकी कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली उसे लिबरल फीडिंग होनी चाहिए। फीडिंग एक साथ कभी नहीं करनी चाहिए, इंडिविजुअल फीडिंग करो, बिकॉज एनिमल्स हैं, समझदार नहीं है, आपस में लड़ेंगे और जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, बिकॉज हर बार छीन के खा लेगा बेचारा, जो वीक है वो वीक और होता जाएगा। तो इंडिविजुअल फीडिंग करिए, एक साथ मत कीजिए। रेशन शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर ये बोले कि हमारी जो डाइट है, आज हमने जो खाया वो बैलेंस थी, मतलब उसके अंदर क्या थे, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है जितने जितने वो थे। सेम यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी आपका जो रेशन है, जो डाइट है, वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। द फूड मस्ट बी पैलेटेबल। ये पैलेटेबल का मतलब क्या होता है, पैलेटेबल इज लाइक खाने योग्य है, जिसे मैं खा भी सकूं। यार होता है कभी कभी ऐसा, घर पे हम लोग नखरे करते हैं कि आज अच्छा नहीं बना, आज बहुत अच्छा बना है। सो काइंड ऑफ ऐसा बोल दीजिए कि चलो घर पे तो अच्छा ही बनता है, बट बाहर हम गए कहीं पे, हमारे यहाँ कुछ ऐसा फूड आ गया एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं चाहिए, ये पैलेटेबल ही नहीं, मुझे देख के अच्छा ही लग रहा, मैं खाऊंगा ही नहीं इसे। तो पैलेटेबल मतलब जो खाने योग्य, ऐसा कुछ मत डाल दो बेचारा वो भूख से मर रहा, धक्के से खा रहा है, उसके खाने योग्य हो, पैलेटेबल होना चाहिए। वेराइटी ऑफ द फीड इन रेशन, आप लोग जानते हैं सुबह हम कुछ और खाते हैं, रात में कुछ और खाते हैं, बिकॉज वी नीड वैरायटी। सेम एनिमल के साथ भी है, सेम दोगे तो उतना इंटरेस्ट से नहीं खाएगा, भूखा मरता है सर, वो बोल नहीं सकता, खाएगा वो लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं दे पाएगा, बिकॉज जब खाएगा अच्छे से तभी तो प्रोडक्टिविटी देगा ना। तो उसके फीड में वैरायटी दीजिए, उसे अलग अलग फीड दीजिए। द फीड कंपोजिंग द रेशन शुड बी गुड एंड साउंड, ये बात पहले हमने यहाँ पे कर लिया। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो मतलब गुड एंड साउंड भी है कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो वहां पे प्रेजेंट है। द रेशन शुड कंटेन एनफ ऑफ मिनरल मैटर्स। इसके लिए हम ट्राई करते हैं ना कि जहां पे उनका मेंजर स्पेस, जहां पे वो खाने वाला स्पेस है, वहां पे वो बड़ा सारा नमक का वो एक व्हाट वी कैन से नमक का वो जो रख देते हैं ना, वो चाट रहे हैं उसे, तो वो काइंड ऑफ मिनरल का पार्ट हो गया है ना, और भी हो सकते हैं। तो उनके न्यूट्रिशन में मिनरल्स भी रिक्वायर्ड है, मिनरल मैटर आपको चाहिए। फिर बोला गया द रेशन शुड बी फेयरली लग्जेटिव। जैसे पैलेटेबल एक टेक्निकल वर्ड था, पैलेटेबल कहता है खाने योग्य होना चाहिए, लग्जेटिव इज अगेन अ टेक्निकल वर्ड। लग्जेटिव कहता है कि जो मुझे रिलैक्सेशन दे, जो मुझे अच्छा करे, है ना, कि रात को मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, 11:30 का टाइम, बुरे हाल है, मैं सो के उठूंगा ना, नाउ इट्स लाइक लग्जेटिव, अब मैं रिलैक्स हूँ, हाँ अब ठीक लग रहा है, नाउ आई कैन डू द वर्क अगेन। तो सेम एनिमल वाले केस में, एनिमल जब क्या है उसको उसकी एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के, उसे भूख को शांत करने के लिए जब हमने उसे कुछ फीड दिया तो उसे रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे अफरा एसिडिटी हो गई, वो और प्रॉब्लम के अंदर आ गया, लो ऐसा फीड क्या देना, पहले भूखा मर रहा था अब दर्द से मर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शांत हो जाए खा के, उसे पहले शोर मचा रहा था अब बड़ा रिलैक्स है, लग्जेटिव फीड उसे दीजिए। नेक्स्ट बोला गया ग्रीन फोडर भी आपको साथ साथ देने हैं, सडन चेंज नहीं करना डाइट के अंदर। अगर लग रहा है कि भाई हमारे खेत के अंदर चारा खत्म हो गया है, तो ऐसे मत करो आज चारा खत्म हो गया कल से देना ही बंद है, कम करते जाइए, है ना, हफ्ते के अंदर कम कर करके उसे धीरे से बंद कर दीजिए। रेगुलरिटी ये तो आप मानते ही हैं, हम भी रेगुलर खाते हैं, एनिमल को भी रेगुलर दीजिए। फीड जो है वो अच्छे से बना के प्रॉपरली प्रिपेयर करके दीजिए। रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बल्कि हम जनरली बोलते हैं रफेज को, रफेज मतलब आपके जो मोटे चारे हैं, जैसे हम हरा चारा जो काट के उसे डालते हैं, दैट इज बल्कि। तो हरा चारा देना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा हरा चारा नहीं देना चाहिए, है ना। तो इट शुड बी बल्कि बट इट शुड नॉट बी टू बल्कि, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका फीड है या फिर जो आप देने वाले हो उसके अंदर लेबर और कॉस्ट में इकोनॉमी होनी चाहिए कि भाई जो लेके आ रहे हैं तो सस्ता पड़े और जो लेबर भी उस पर काम करे वो भी सस्ता पड़े, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी से हमारे रेशन की आगे चलते टाइप ऑफ रेशन की बात कर लेते हैं, फटाफट से बोलता हूँ। मेंटेनेंस रेशन का मतलब क्या होता है? जिसे आप मेंटेन करने के लिए देते हो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल लड़कियों का देके समझाया था, बिकॉज लड़के परवाह नहीं करते। लड़के अक्सर बोलते हैं मुझे मेरा फिगर, मुझे मेरी बॉडी मेंटेन करनी है। वाई? मेंटेन करना, उनको अच्छा दिखना है। बट ये मेंटेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेंटेन कॉन्सेप्ट ये कि अपनी बॉडी को नुकसान भी नहीं करना कोई, मतलब ऐसे नहीं कि पास चले चक्कर आके सड़क पे गिर जाए, ऐसा तो नहीं करना ना। मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब बस उतना ही खाना है जितना रिक्वायर्ड है। हमें तो डिपेंड करता है ना, अच्छा मिल जाए तो एक्स्ट्रा खा लेना, नहीं मिले तो फिर कम खा लेना है। तो वहां पे क्या है, मेंटेनेंस रेशन का मतलब हम क्या करेंगे कि उतना खाएंगे जितना रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। एनिमल जब आपका प्रोडक्टिव नहीं है, जो दूध नहीं दे रहा, ड्राई साइकिल आता है एनिमल के अंदर, है ना, तो जब दूध नहीं दे रहा आपका एनिमल, उस टाइम पे क्या करना है आपको, उसे उतना ही दो जितना उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ना तो उसका वेट लूज हो ना उसका वेट गेन हो। तो मिनिमम रेशन जो देते हो वो क्या है? मेंटेनेंस रेशन। अब इतना तो आपको हर एनिमल को देना है, जो भी एनिमल है, वो बुल है आपका, वो आपका प्रेग्नेंट काउ है, वो आपकी काउ है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब मेंटेनेंस तो हर किसी को लगेगा, मतलब मेंटेनेंस तो हर किसी को चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा देते जाओगे। प्रोडक्शन रेशन, अब जितना वो दूध दे रहा है पर लीटर दूध के हिसाब से उसे एक्स्ट्रा देते जाइए। मेंटेनेंस तो देता है, देना ही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा देते जाइए। ग्रोथ रेशन, जो छोटे आपके क्या है, बेबी है, जो आपके काव्स है, जो आपके क्या है, काफ है, उनके लिए जो रेशन होगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका ग्रोथ रेशन। प्रेगनेंसी आप जानते हैं पहले 5 महीने तक तो कुछ आपको देना नहीं होता, उसके बाद आपको आधा आधा किलो फीड जो है ड्राई मैटर बढ़ाना होता है। तो प्रेग्नेंट जब काउ है उस टाइम पे एक्स्ट्रा फीडिंग दीजिए, ये वाला तो देना ही देना है, ये वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा। वर्क रेशन का मतलब जो हम ड्रोट एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट एनिमल की बात कर रहे थे, उनको जो देना पड़ेगा वो क्या जाएगा आपका, वो वर्क रेशन हो जाएगा। सर्विस रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको काफी मेंटेन करना पड़ेगा फीड, बिकॉज मैं अगर सारे कामों की बात करूँ तो सबसे सुपीरियर काम यही है, सर्विस, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आप इस चीज को समझते भी है क्योंकि ये वाला पार्ट यूट्यूब पे काफी फेमस है। 2-2 करोड़ का, 5-5 करोड़ का बुला है। आजकल इंसान को बेचो, 22 करोड़ का नहीं बिकता, यहाँ पे सांड बिक रहे 5-5 करोड़ के। क्यों? बिकॉज वो इस काम के लिए, सबसे सुपीरियर वर्क के लिए यूज हो रहा है ना। उनको ड्राई फ्रूट खिलाया जा रहा है। भाई फार्मर उसको जो पाल रहा है वो खुद ड्राई फ्रूट नहीं खिलाता, बट इसको खिलाता है, इसको मतलब जो बुल इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो सर्विस रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, काफी डाइट इसकी, काफी अच्छा फीड इसका मेंटेन करना पड़ता है। बट सर्विस का मतलब यही है कि एक एनिमल जिसे आप सर्विस पर्पज के लिए यूज करते हो उसको जो फीड देते हो वो क्या आपका सर्विस रेशन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंडियन पोल्ट्री की। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 3 सेक्टर आपने पढ़े थे, कौन कौन से? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और आपका माइग्रेटरी। मुर्गियों के अंदर माइग्रेटरी तो होता नहीं है बिकॉज मुर्गियां तो कभी मैंने सड़कों पे नहीं देखी, एनिमल तो फिर देखे होंगे। तो मुर्गियों में 2 ही हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। और यहाँ पे तो डिफरेंस भी हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा कि एनिमल्स के अंदर क्या था, एनिमल्स में अनऑर्गेनाइज ज्यादा था, बट मुर्गियों वाले केस में ऑर्गेनाइज ज्यादा है। हाँ, अगर ग्रोथ की बात करो तो ज्यादा ग्रोथ इस टाइम पे अनऑर्गेनाइज के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है अनऑर्गेनाइज में ग्रोथ? भाई क्योंकि इस टाइम हर कोई चाहता है घर में 40, 50, 10, 20 मुर्गियां रख के उससे अंडा उत्पादन किया जाए और मनी ली जाए। तो ग्रोथ अनऑर्गेनाइज के अंदर ज्यादा है और एक्चुअली ज्यादा कौन सा है? ऑर्गेनाइज। बिकॉज आपके पास जो मीट या अंडे आते हैं वो मोस्टली कहाँ से आ रहे हैं? बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म से ही आ रहे हैं। तो जिस बर्ड को आपने मीट और एग के लिए रियर किया वो पोल्ट्री का पार्ट हो गया। और अगर ऐसा बर्ड है जिसको आपने मीट या एग के लिए रियर नहीं किया हुआ तो सर वो क्या हो गया? ऑरिंथोलॉजी हो गया। अभी पढ़ा था हमने, है ना। आगे चलते हैं, पोल्ट्री वर्ड को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप सारे लोग जानते हैं। फिर बोला गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोल्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले बोला गया लाइटनिंग। लाइटनिंग भी कह दो, टेम्परेचर भी कह दो, क्योंकि लाइटनिंग अल्टीमेटली टेम्परेचर के साथ रिलेट हो जाता है। अब जो उसके ऊपर येलो कलर की लाइट लगाते हो, किसके लगाते हो? बिकॉज वो हीट देती है। देखा ना आपने, वो जो येलो वाला बल्ब था बड़ा गर्म होता था, आजकल ये एलईडी, CFL ये सब आ गई, ये गर्म नहीं होती है उतनी। तो लाइटनिंग क्यों करते हो? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये आप लोग जानते हो कि शुरू का जो आपका एज होती है पोल्ट्री की, पहले एक महीने की ऑलमोस्ट 2 से 4 वीक, 2 वीक के बाद उसका जो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलप होना स्टार्ट होता है, फुल्ली डेवलप हो लगभग 4 वीक के बाद होता है। तो 2 से 4 वीक मतलब 1 महीने तक ऑलमोस्ट उससे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद भी चाहिए लेकिन कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो 1 महीने तक वो क्या करना है, उसको टेम्परेचर देना है। उस टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, लाइट्स को भी यूज करते हैं। कैंडलिंग आप लोग जानते हैं, कैंडलिंग एक इनिशियल वर्ड है, आजकल कैंडलिंग एडवांस हो गई है, बट कैंडलिंग का मतलब यही होता है कि जलती हुई कैंडल के ऊपर अंधेरे कमरे में एग को ऊपर लेके जाओ, उसके अंदर की ग्रोथ को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। 1/3 चोंच को काट दिया जाता है। किसके लिए चोंच को काटते हैं? ताकि वो अंडों को तोड़ ना पाए, एग प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो। डीबीकिंग है। कर्लिंग आप लोग जानते ही है कि एक बर्ड अगर अफेक्ट हो गया, एक बर्ड अगर बीमार हो गया, उसके अंदर कुछ बीमारी आ गई तो उसको फैलने मत दिया जाए, फटाफट से उस बर्ड को निकाल के मार दो, डिस्पोज कर दो। इट इज नोन एज कर्लिंग। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? जब टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे तो हमने अंडों की बात करी थी टेम्परेचर देने की, चूजों की बात करी टेम्परेचर देने की। दोनों को ही टेम्परेचर देना पड़ता है। अंडों को टेम्परेचर देना, रिक्वायर्ड टेम्परेचर देना इज इंक्यूबेशन, जिसे हम इंक्यूबेटर के अंदर करते हैं। और जब अंडे से चूजे बाहर आते हैं, यहाँ पे है ना, चूजे बाहर आ गए, उसे क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग होने के बाद आप क्या करते हो, उसकी ब्रूडिंग करते हो, मतलब अगेन टेम्परेचर देते हो। वो किसके अंदर, ब्रूडर के अंदर। तो अंडे जाएंगे इंक्यूबेटर के अंदर, चूजे जाएंगे ब्रूडर के अंदर। इंक्यूबेटर में हो रहा है इंक्यूबेशन, ब्रूडर के अंदर हो रहा है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग और इंक्यूबेशन दोनों ही 2 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल मशीनों से हम कर रहे हैं, इंक्यूबेटर से या ब्रूडर से। नेचुरल मतलब मुर्गी खुद कर लेती है। और बीच का प्रोसेस क्या आ गया, हैचिंग आ गया, बिकॉज इंक्यूबेटर के बाद ब्रूडर में जाने के लिए हैचिंग का होना रिक्वायर्ड है। ग्रेडिंग की बात करेंगे तो आप जो एग जनरली कंज्यूम करते हैं उसको आपको इस ग्रेड के अंदर ले जाना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली देखें तो आजकल प्रोडक्शन ज्यादा के चक्कर में आप अगर स्टैंडर्ड एग नहीं लेके आते हो तो वो इस कैटेगरी में जाता है, मीडियम वाले में। लेकिन हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड एग्स को लेके आते हो, क्योंकि अगर आप खाते हैं तो आपको रेट वेट पता होगा कुछ, वो जो एग की ट्रे है 180, 190, 170 कुछ इस रेट पे है। लेकिन स्टैंडर्ड एग इस रेट पे नहीं है, वो 250 के आसपास आता है ना। उसका शेल प्रॉपरली डेवलप होता है और उसका साइज भी बड़ा होता है। तो वो जो स्टैंडर्ड साइज है वो यही होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो आपका मुर्गी के अंडे का वेट है वो कितना होता है, इट इज 55, 56 और 57 ग्राम। तो लार्ज की कैटेगरी में जाता है। ये भी आपको बताया हुआ है। ऊपर जो स्पेस बचा हुआ है ये क्या होता है, ये एयर सेल होती है। एयर सेल जो बचा रह जाता है ना, तो जब कम डेवलपमेंट हुआ है तो एयर सेल बड़ी होती है, फिर एयर सेल छोटी होती है और फिर एयर सेल और छोटी हो जाती है। तो जितना ज्यादा डेवलप होता जाएगा उतना एयर सेल कम होता जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। आगे मूव करते हैं, डेयरी की बात कर लेते हैं। डेयरी आप जानते ही है, डेयरी का एक प्रोडक्ट है जो सबसे मेजर है। ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में। क्यों यूनिक है पता नहीं, इस प्रोडक्ट से ना जाने कितना कुछ हम बना लेते हैं, लिमिट ही नहीं है, है ना। इससे फर्मेंटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, नॉन फर्मेंटेड बन रहे हैं, मिठाइयां बन, कितना कुछ ही बने जा रहा है। लेकिन होता है इसके अंदर 2 ही चीजें है, या तो पानी होता है या फिर इसके अंदर टीएस होता है, टोटल सोलिड होता है। टीएस के अंदर पानी तो निकल गया, टीएस की बात करेंगे, टोटल सोलिड की बात करेंगे तो भाई उसमें एक तो फैट आ जाता है। फैट तो सारे लोग जानते ही है ना, जिस बेस पे आप लोगों ने पढ़ाई करी सारी की सारी। कैसे पढ़ाई करी, मतलब टोन्ड है, डबल टोन्ड है, स्किम्ड है, इवेपोरेटेड है, वो सारा का सारा इसी बेस पे जाएगा। और साथ साथ उसके अंदर क्या होता है, सोलिड नॉट फैट, मतलब है तो सोलिड ही लेकिन फैट नहीं है, वो एसएनएफ आ जाते हैं। मिल्क प्रोटीन आप जानते हो कि मेजर जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है, आपकी कैसीन प्रोटीन होती है। उसके बाद कहता है फैक्टर जो मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं, है ना। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके मिल्क के जो कंपोजिशन उसको अफेक्ट कर देंगे। तो भाई दूध निकालने वाला कौन है, मिल्क, उससे अफेक्ट होगा। एनिमल की एक्सरसाइज से अफेक्ट होता है, जब आप दूध निकाल रहे हो उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस होगी उससे अफेक्ट होने वाला है। वहां की वेदर कंडीशन कैसी है, आजकल देखो ना कंडीशन कुछ अलग हो रही है, जून जुलाई में अलग होती है, वेदर कंडीशन अफेक्ट करेगा। आपका एनिमल कितना फिजिकल फिट है उससे अफेक्ट होता है। शुरू का और लास्ट का जो मिल्क है उससे अफेक्ट होता है। इंटरवल कितना लेते हो मिल्किंग के अंदर उसके, उससे अफेक्ट होता है। मिल्किंग टू मिल्किंग मेथड कौन सा ले रहे हो उससे अफेक्ट होता है। बंदा कौन सा है यहाँ पे मिलकर लिखा हुआ था, है ना, और साथ साथ मेथड कौन सा है इससे भी अफेक्ट होता है। सीजन से वेरिएशन, यहाँ पे वेदर की बात आई थी, ऐसी सीजन वेरिएशन है, गर्मियों में और सर्दियों में वेरिएशन आ जाता है। एनिमल की एज से वेरिएशन आता है। लैक्टेशन की स्टेज, अभी दूध आना स्टार्ट हुआ है या फिर मिडल में है या फिर ड्राई पीरियड आने वाला है, उससे भी इफेक्ट होता है। इंडिविजुअल वेरिएशन, सेम ब्रीड है लेकिन स्टिल कंपोजिशन अलग अलग है। ब्रीड का इन्फ्लुएंस मतलब ब्रीड वहां पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, होता है ना ऐसा, हम कभी कभी बचपन में ऐसा करा होगा, लड़ाई हो गई एंड वी आर लाइक आना तो मेरे घर के सामने फिर बताऊंगा तेरे को, वो क्या है भाई मेरे घर के सामने मेरा इन्फ्लुएंस है। तो उस ब्रीड का कितना इन्फ्लुएंस है वहां पे कि जहां से बिलोंग करती है वहां पे पाला गया तो अच्छे से परफॉर्म करेगी, लेकिन पता चले ब्रीड राजस्थान की और आप उसे लेके कहां पे यूपी के अंदर, उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। फिर बोला गया स्पीशीज ऑफ एनिमल, भाई गाय है, भैंस है, मुर्गी तो नहीं, दूध की बात चल रही है ना, गाय है, भैंस है, शीप है या फिर आपकी क्या है गोट है, उससे भी क्या हो जाएगा, स्पीशीज से भी फिर जो कंपोजिशन है वो अफेक्ट होगा। चलिए ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ एनिमल। आगे बात करते हैं कि इसके आपके FSSAI स्टैंडर्ड्स के, कि आपका जो FSSAI है ये क्या बोलता है दूध के बारे में, कहता भी काऊ का मिल्क या तो कम से कम 3.5% फैट होना चाहिए, इससे कम हुआ तो काऊ मिल्क आप नहीं कह सकते, उसे मत बेचिए, फिर आप उसे कुछ और बोलिए ना, टोन डबल टोन ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन काऊ मिल्क आपने लिखा है तो 3.5% मिनिमम फैट होना चाहिए और 8.5% क्या होना चाहिए उसके अंदर आपका SNF होना चाहिए। फिर कहता है अगर बफेलो मिल्क बोला है तो 5% से कम पे काम नहीं चलेगा। हाँ 5 से 6% भी कभी कभी लिखता है ये कि 5 से 6 हुआ तो चल जाएगा लेकिन 5 से कम नहीं। और SNF जो है यहाँ पे क्या है यार, ये नाराज हो रहा बार-बार, हटा दूंगा इसे। SNF जो है यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, SNF is 9%। फिर गोट मिल्क की बात करता हूँ, गोट मिल्क के लिए कहता है 3.5% मिनिमम है और 9%, तो गोट सेम हो गया फैट में, लेकिन हाँ काऊ में 8.5% SNF था, गोट में 9% क्या दिया। फुल क्रीम मिल्क की बात करेंगे तो भाई कहता है 6% क्या होना चाहिए उसके अंदर फैट होना चाहिए, 9% SNF होना चाहिए। मिक्सड अगर मिल्क है उसमें 4.5% का फैट है और 8.5% का SNF है। स्टैंडर्डाइज मिल्क और मिक्स मिल्क दोनों सेम होते हैं 4.5 और 8.5। टोंड और डबल टोंड आप जानते हैं, टोंड में 3 होता है, डबल टोंड में 1.5 होता है, जबकि टोंड के अंदर 8.5% का क्या होता है आपका SNF होता है, डबल टोंड के अंदर 8.7 से लेके 9% तक का SNF हो सकता है। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप लोग जानते हैं, आपको याद ही है कि pH जो है स्लाइटली एसिडिक है, कितना 6.5 से 6.7 है, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा, फ्रीजिंग -0.55 पे और बॉइलिंग जो है वो 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर फर्मेंटेड नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये आपके पास ऑलरेडी है। राइट, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ एक है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे जा रहा है नॉन फर्मेंटेड में, तो भाई इसको समझिएगा थोड़ा, बाकी इजी है, मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट बोला गया आपका जो मिल्क है बफेलो, काओ, गोट और मिक्स मिल्क, इसकी बात हमने पहले ही कर ली है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, वहां 5% लिखा गया था, मैंने बोला था कभी कभी 5 से 6 लिख देते हैं, बाकी सारा हम डिस्कस कर चुके। राइट, आगे बोला गया FSSAI स्टैंडर्ड फॉर मिल्क पाउडर, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेना यार, वैसे तो मिल्क पाउडर इंपॉर्टेंट नहीं है, मिल्क ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नजर मारने में कुछ नहीं जा रहा, आधे मिनट का काम है। होल मिल्क, पार्शियल स्किम पाउडर और स्किम मिल्क पाउडर। होल मिल्क के अंदर क्या था, मॉइस्चर जो है ना 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पार्शियल में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और स्किम के अंदर भी 5% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। लो ये कहानी तो याद होगी, होल मिल्क पाउडर 4% किसमें, होल मिल्क में, पार्शियल है या फिर स्किम है तो उसके अंदर 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट, हो गया मॉइस्चर खत्म। फैट की बात करते हैं, होल मिल्क में क्या था, होल मिल्क पाउडर जो है 26% मिनिमम फैट रिक्वायर्ड है। उसके बाद कहता है जो आपका पार्शियल स्किम है वहां पे 1.5% से 26% तक, और उसके बाद आपका जो स्किम मिल्क पाउडर है वहां पे फैट अलाउड नहीं है, इतनी सी आ जाती है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, 1.5% मैक्सिमम हो सकती है। फिर क्या था, मिल्क प्रोटीन इन मिल्क सॉलिड नॉट फैट, कि आपका जो SNF है उसके अंदर मिल्क प्रोटीन कितना होना चाहिए, होल मिल्क में कितना 34% आ गया, फिर उसके बाद कितना आ गया आपका, यहाँ भी सेम आ गया नोट लेस देन 34%, उसके बाद यहाँ भी सेम आ गया। देखो कुछ डेटा याद करना पड़ा, आई डोंट थिंक सो, 4, 5, 5, 34, 34, यहाँ पे 26, 1.5 से 26 और 1.5 से कम, दैट्स इट। हो गया ना याद, देखने में कैसे लग रहा था, लग रहा है डिफिकल्ट सा, बस ऐसे ही, चीजें बहुत आसान है। मेथड ऑफ मिल्किंग की बात करते हैं, 2 टाइप के मिल्किंग मेथड है, या तो हाथ से निकालो या फिर मशीन से निकालो। हाथ से निकाला तो आपके पास क्या है, हाथ से निकालने के लिए कुछ अलग अलग मेथड है, कौन कौन से मेथड है। हाथ की बात करेंगे तो भाई आप क्या करते हो, थंब को अंदर मोड़ लेते हो, बेंड कर लेते हो, इसे हम क्या बोल देते हैं, फुल हैंड हो गया, स्ट्रिपिंग हो गया, मैं स्किप हो गया वो वर्ड, मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा है, मैं म्यूट करूंगा तब तक मुझे याद आ जाएगा। क्या बोलते हैं, आगे है क्या, नहीं है यार बता दो, स्किप हो गया माइंड से यार, है ना। एक हो गया फुल हैंड, दूसरा जब आपने स्ट्रिपिंग कर दिया, और जो अंगूठा अंदर मोड़ देते हैं, कौन बता रहा है, कितने आलसी लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे यार। युवराज जी बताएं जरा कौन सा मेथड है जी, बोले। अरे मेरे भाई तेरा माइक ही नहीं चल रहा क्या यार। उपासना बताना। नकलिंग मेथड। हाँ यस इट इज नकलिंग राइट। ठीक है जानते हैं आप सारे लोग, मुझे पता है आप लोगों को पता है, बट मैं बोल रहा था फिर मैंने कहा बताया तो ये भी पूरा हाथ से फुल हैंड थंब हैंड कर दिया नकलिंग, ऐसे किया तो स्ट्रिपिंग। ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, इरिटेट करता है एनिमल को। ये वाला क्या करता है, ये उसे पेनफुल है, ये वाला बेस्ट मेथड मानते हैं। लेकिन हाँ इससे पहले थनों को थोड़ा सा मसाज कर लोगे, स्ट्रिपिंग कर लोगे तो बेटर माना जाता है। लास्ट में स्ट्रिपिंग कर लो, बचा हुआ दूध जो निकाल लिया जाता है उसको हम अच्छा मेथड बोल देते हैं। नेक्स्ट बोला गया न्यूट्रिएंट कंटेंट इन एनिमल एंड पोल्ट्री मैन्योर। ये टेबल आपके नोट्स में है, हाईएस्ट लोएस्ट को याद कीजिएगा। पेपर ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछे हुए हैं, आने के चांस काफी कम है इसके, बिकॉज रिपीटेशन नहीं करता लेकिन कम है, 0 नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा। आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ एनिमल। तो भाई हम एनिमल की एग्जैक्ट एज तो नहीं पता लगा सकते, बट हाँ एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि यंग जो रिमिनेंट है उनके अंदर 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, जबकि अडल्ट जब हो जाएगा उसके अंदर 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। परमानेंट और इसकी बात करूंगा तो ये टेबल आपके पास नहीं था, लेकिन अब मैंने इसे ऐड कर दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें अभी के लिए इसका। एनिमल्स को ऐड किया गया, कैटल को, शीप को और आपके पिग को। फिर उसके अंदर इंसाइजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं और टोटल कितने हैं, सारा का सारा ऐड कर दिया मैंने डेटा। इसको अब याद कर लेंगे। और फिर यहाँ पे ये डेटा ऐड कर दिया मैंने एज ऑफ गोट एंड शीप। कि भाई एज कब आप बोलोगे, कहता है एनिमल अंडर 1 ईयर जब उसके अंदर कोई भी परमानेंट टीथ नहीं आया। 2 परमानेंट टीथ आ गया तो 1 साल का हो गया, 4 आ गया तो 2 का हो गया, 6, 8, 10, 100 ऐसे चलता गया है ना। ये आप याद कर लेंगे। कुछ लोग ये भी सोचे सर पता कैसे चलेगा परमानेंट है कि नहीं है, हमें पता नहीं करना हाल फिलहाल, हमें याद करना है कि भाई अगर बकरी या फिर आपकी भेड़ के अंदर 8 टीथ आ गया तो मतलब 4 साल ओल्ड वो हो गई है। कैटल की बात करेंगे अगेन, कैटल के अंदर भाई जब वहां पे क्या है, कहता अंडर 2 इयर्स ओल्ड कोई परमानेंट टिथ नहीं आता, 2 टिथ है तो मतलब 2 साल या 2 इयर्स 3 मंथ्स का हो गया। फिर 3 साल का कब होता है जब 4 परमानेंट टिथ आ जाते हैं एंड सो ऑन। डेटा आपके सामने है, पीडीएफ में इसका शेयर कर दूंगा आपके साथ, चाहे तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट भी ले ले। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एनिमल्स जो हमारे हैं उनकी एज हम काउंट कर लेते हैं। वो कैटल की थी, फिर बफेलो भी देखो सेम आ गया, वहां पे 2 साल में कोई भी टिथ नहीं था, यहाँ पे 3 साल तक कहता कोई परमानेंट टिथ नहीं आएगा, फिर आने शुरू होंगे 2 इयर्स 6 मंथ्स है ना। 2 इयर्स 6 मंथ्स में कहता 2 परमानेंट टिथ आ गया है। इसे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये कहता है अंडर 3 इयर्स ओल्ड कोई परमानेंट टिथ नहीं आया, बट यहाँ पे 2.5 साल पे कह दिया है तो पॉसिबल है इसे यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये 3.5 हो, मैं इसे एक बार कंफर्म कर लूंगा। समझ गए ना आप डाउट। ये कहता है कि अंडर 3 इयर्स ओल्ड 3 साल तक कहता कोई परमानेंट टिथ नहीं है, जबकि यहाँ पे आके बोल दिया कि 2 इयर्स 6 मंथ 2 परमानेंट टिथ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोनों में से। इसे मैं वेरीफाई कर लूंगा आगे, अगेन आप इसे स्टडी, अगला गलत नहीं है बट हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है कहीं ना कहीं, इसे चेक कर लेंगे राइट। तो इससे हमने क्या किया, हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी हमने एज चेक कर ली। और मैंने पिछले 1 घंटे में क्या किया, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया, ज्यादा तो नहीं करा बिकॉज मैं हेल्प इस टाइम पे कर ही नहीं सकता, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी बिकॉज सिलेक्शन मेरा बाद में और आपका पहले है राइट। तो होप सो ठीक रहा होगा सेशन, समझ आपको आया होगा, ज्यादा टाइम भी मैंने नहीं लिया होगा बिकॉज मैं माइंड में ये भी लेके चल रहा था कि आपका टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। एंड कल आपका टेस्ट होगा, आपको पता ही है, टेस्ट के अंदर एनिमल हस्बेंड्री और करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, आप सोचो कि सेशन लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे, इस सोच को निकाल दीजिएगा बिकॉज अभी तक आप डिपेंडेंट थे। हाँ मैं पढ़ाऊंगा वो करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टेस्ट से पहले ही पढ़ाऊंगा। जो आपको पीडीएफ शेयर किया एनी हाउ से पूरा कीजिएगा। अगर आपको इस साल सिलेक्शन चाहिए, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैंने बोला है उसके साथ साथ कुछ और भी आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स करवाऊंगा, एनिमल हस्बेंड्री मैंने करवा दिया, स्वाइन हस्बेंड्री में करवाऊंगा, कल जो टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन करूंगा। 60 क्वेश्चन में से 60 का नहीं करूंगा, 20 से 30 क्वेश्चन करूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ यार डिस्कशन होने चाहिए, जो सीरियसली फैक्ट है नोट्स के अंदर से है उसका बिल्कुल नहीं करूंगा। 30 मिनट्स का डिस्कशन में हर टेस्ट का किया करूंगा ताकि आपके जो डाउट्स रह जाए वो डिस्कस होने चाहिए। प्लस मैं कुछ एक बातें आपको बताया करूंगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऐसे था, अगर आपने ये गलत या सही किया है तो अपने अंदर इस पॉजिटिव पॉइंट को या फिर इस नेगेटिव पॉइंट को ऐसे ऐसे इंप्रूव कीजिए। थोड़ा बहुत आपकी हेल्प होगी, लेकिन ये सब आपके लिए तब भी बेनिफिशियल होगा जब आप मेरे साथ साथ चलेंगे। आपको लगे मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, व्हाट्सएप मैसेज में सर रिकॉर्डिंग ऐड कर दो, सर बोलेंगे 24 घंटे नहीं हुए तो बात हुई, आप पीछे रह जाएंगे लोगों से। सब कुछ टाइमली करते जाइए। इसके बाद में कुछ और आपका डाउट हो तो आप जल्दी से लिख सकते हैं, नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर ओवर कर देंगे। बाकी लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो टेस्ट। विनी जी, एमपी एंट्रेंस को हम स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे सर, एमपी एंट्रेंस का कोई कुछ नहीं है सर। आप एमपी नहीं, एमपी यूपी राजस्थान कुछ बोलिए, इन एंट्रेंस एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, ये फालतू काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ, मेरे राजस्थान में एक पेपर हुआ था, 100 क्वेश्चन थे, उसके अंदर 100 में से 6 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए पेपर लेने के बाद, बिकॉज उसके अंदर डाउट था। मतलब झंडू हम लोग हो यार। सॉरी, पूरे साल में एक पेपर आपने बनाया, उसमें से 100 में से 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो प्लीज एंट्रेंस एग्जाम को स्टैंडर्ड मत मानिए। हाँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, लेकिन इस यूनिवर्सिटीज के अंदर करप्शन बहुत होता है। तो ये लोग ना सेटिंग पहले करते हैं कि भाई 50 लाख रुपए दे दे और आ जाए यहाँ पे, पेपर की टेंशन इनको होती नहीं है। तो उनको स्टैंडर्ड मत मानिए, बाकी स्टैंडर्ड मानिए। कुछ डेटा सोर्स आपको बताए गए हैं। सब्सिडी एनिमल कल का है सबसे, अरे बोला ना करंट अफेयर्स टोटल सब्सिडीज का टेस्ट ले चुका हूं, तो जो टेस्ट ले चुका उसका कोई अब क्राइटेरिया नहीं है कि आएगा कि नहीं। सब्सिडी से जितना होता जाए उनसे तो क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो कल में सब्सिडीज तो बाय डिफॉल्ट कवर है, वो आ सकती हैं, लेकिन नया क्या आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे और एनिमल हस्बेंड्री आएगा। और उसमें भी कोई सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट है बस कि पूरा एनिमल हस्बेंड्री पॉसिबल है। मैंने कैमल ब्रीड नहीं करवाई, कल आ जाएंगी, है ना, पॉसिबल है। करंट अफेयर जो आपको नहीं करवाया कुछ, वो आ जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, डिस्कशन बाद में करूंगा, जो डेटा नया वो दूंगा आपको, लेकिन कवर कीजिए। ठीक है, ओके, है ना। अब जो बातें पूछी जा रही है ना, आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग, गाँव लाव का डाउट है, ये सब हमने सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। होप्स आपने रेगुलरिटी मेंटेन की है तो आपको पता होगा, नहीं किया तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं। सर ये बातें मैंने पूरा साल बोली है ना, अब आपको फेस करना पड़ेगा। गाँव लाव का आपको पता होगा, डिस्कशन भी हुआ था कि कहाँ पे जाएगी, प्लस एक इमेज बना के मैंने शेयर की थी आपके ग्रुप के अंदर के, भाई साहब गाँव लाव ये है, ये है, ये है, 3 बार रिपीट हुआ था वो, है ना, इमेज मुझे याद है क्योंकि पहले मैंने किया था, फिर वो आदित्य ने कर दिया था। एंड आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग भी कोई स्पेशल एक डिस्कशन हुआ था, टेस्ट का कोई पेपर हुआ था, आरआरबीएफ से कुछ ऐसा, उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो प्लीज ध्यान रखिए, है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।